गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो एकदम न्यू और बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट है। तो सो आज मैं जहाँ बैठी हूँ वो मेरा माइका है, और माइके में मैं किसके लिए आई हूँ। सो मैं मिलाती हूँ एक छोटी सी परी से जो अभी अभी आई है 4 दिन पहले। मेरी भतीजी आई है, मैं बुआ बन गई हूँ। और देखो ये देखो, पार्क कितने अच्छी तरीके से पार्क कह रहा। तो मम्मी कौन है वहां पे? कौन? अब इस गुड़िया की मम्मी से मैं आपको मिलाती हूँ, मतलब जच्चा से। तो ये है हमारी जच्चा, स्वीट हेलो सी। इनको ही बेटी हुई है, इन्हीं के जैसी है सुंदर सी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना एक क्यूट सा नेम कि हम अपनी परी का नाम क्या रखें। और ये पार्क के डैडी पूरी दामाद वाली पोजीशन में बैठे हुए हैं। और मैं एकदम बिल्कुल सीरियस हो गया हूँ क्योंकि मैं आज आया हूँ अपने ससुराल, और बिल्कुल मेरे चेहरे पे आज आप स्माइल नहीं देखेंगे। दोस्तों पहली बार गुड़िया को गोद में लिया है तो गिफ्ट तो बनता है। तो लो बेटा अपना स्वीट सा गिफ्ट। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी से भी मिली है। इन्हीं को पोती की बधाई देने के लिए आई हूँ। पार्क बेटा गिर जाओगे, इधर आओ। और अब मैं मम्मी के साथ थोड़ी सी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। चलो तो दोस्तों, बच्चों का नाश्ता स्टार्ट हो गया है। सही में बताऊं दोस्तों, इन बच्चों के लिए मैं वहां पे जो स्टील के मग थे उनमें रख के आई थी कि इन्हें बाद में दे देती हूँ, पहले विपिन जी को दे देती हूँ। मतलब मेरे रखने की देर थी, इससे पहले तो इन्होंने ग्लास उठा लिए, वो भी कांच के। और ये आपके, ये मेरे पास बैठा है, ये मेरा छोटा भाई है। और ये क्यान देखो, कुछ ना पार्थ ये कुछ ना कुछ तोड़ के जाएगा। और दोस्तों ये मुझसे जिद कर रहा है कि दीदी मौसम ऐसा हो रहा है कि आप पकौड़ी बना लो, मतलब कुट्टू, और वो कुट्टू की पकौड़ी बना लो, मतलब बेस्ट। बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, और जब सही बात है, चाय चाय के साथ। तो टीनू कुट्टू की पकौड़ी से एक मुझे बात याद आवे, जब कभी हम 7वीं 8वीं क्लास में आए ना, तो नवरात्रे आते थे, तो हम जो नवरात्रे वो देवी माँ में श्रद्धा ना रहे भाई, हमारी श्रद्धा कुट्टू में रहे भाई। तो मम्मी कहती थी कि पहला और लास्ट का रख लो, लेकिन मन तो कूटू में ही पड़ा रहता है। आपके यही रीजन था। कुट्टू की पकोड़ी का फुल मूड हो गया है और वो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। तो जच्चा रानी से भी पूछ लेते हैं, हमारी जच्चा को भी बहुत कुट्टू पसंद है तो पूछ लेते हैं। हाँ जी, कुट्टू बनाए आपके लिए? अगर दोस्तों ये बोलती ना कि हाँ दीदी बना दो, तो मैं वैसे भी, क्योंकि यार जच्चा है, अब इन्हें चिड़ा चिड़ा के खाएंगे। क्योंकि टीनू बोल रहा है कि दीदी भाभी से पूछ के आओ, भाभी को बहुत पसंद है और उन्हें दिखा के खाना जरूर। तो टीनू तो इन्हें पक्का दिखाएगा। तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आते ही काम क्या करने लगी, तो मैं बता दूं आपको, ये मैं कनी जो होती है वो कूट रही हूँ, वो बनने से पहले कूटती है। और भाई नंद का तो काम है ही, अगर मायके में बच्चा होता है तो नंद का काम तो होता ही है। ऑफिशियली तो अभी मैं नहीं आई हूँ क्योंकि अभी बातें चल रही है, बड़ी सिस्टर आएंगी या मैं आऊँगी मम्मी की मदद करने। देख रहे हो दोस्तों क्या नाम है, पार्थ कितना आनंद कर रहा है, मतलब 2 बार अपनी नमकीन कटोरी में लेके और ये कुत्ते के पास डाल के आया है। मैंने तो अभी देखा है कितनी सारी नमकीन उसके पास पड़ी हुई है, हर बार मांग रहा है कि मम्मी खत्म हो रही है नमकीन तो मुझे दे दो। तो मैंने तो उसे दे ही जा रही हूँ, मैं अब देख रही हूँ कि उसमें कुत्ते के पास नमकीन पड़ी है बहुत सारी। इसको ऐसे छानेंगे, मतलब बारीक, काफ़ी बारीक कर लेंगे, तो ये दूध में खीर की तरह भी खाई जा सकती है। और उसके बाद जो सांदा डालेंगे तो उसमें भी मिलाई जाएगी, तो उसमें इन चीज़ों का यूज़ होगा। तो उसी का मैं सोच रही, मैंने कहा मैं बैठी हूँ, मम्मी आप मुझे दे दो, ये काम तो मैं भी कर लूँगी। यहाँ पर आए हैं तो ये देखो, हम अपने साथ बारिश लेके आए हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कितनी तेज़ बारिश है। और पहले तो मौसम मतलब हल्का सा ही ख़राब हुआ था, बट अब इतनी तेज़ बारिश है कि मतलब एक बार जाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्यान क्यों नहीं आया है ये मैं आपको बताती हूँ कि उसको ना मैंने अभी 2 दिन पहले नाइट में डाइपर लगा दिए थे, तो मैं डाइपर नहीं लगाती क्योंकि उसे रैसेस हो जाते हैं, बट 2 दिन लगातार मतलब रात में लगा दिए ना मैंने, तो उसे रैसेस हो गए। और मतलब बिल्कुल ये देख लो,
फैन ना बंद करने पड़ रहे हैं, इतनी ठंड लग रही है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, इसीलिए भी थोड़ी सी ठंडक ज्यादा है घर में। हल्का सा मतलब आज हेयर वॉश किए थे तो बालों की वजह से सर में थोड़ा सा दर्द हो गया है। और हमारी परी सो गई है, ये देखो नींद ले रही है अपने मजे से, पर बड़ी सुंदर सी लग रही है भाई। फाइनली अब हम घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अब हमारी थोड़ी देर में विदाई होने वाली है। हालांकि परसों फिर आने वाली हूँ मैं, 10-15 दिन रह के जाऊँगी, बट अभी के लिए अब मैं घर जा रही हूँ। और मैंने अपनी भी ड्रेस चेंज कर ली है और पार्थ की भी ड्रेस चेंज कर ली हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी साड़ी में और पार्थ इतना गंदा हो गया था कि बस पूछो मत। रहेंगे तो ऐसी लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। दैविक की और पार्थ की लड़ाई हो गई है। और पार्थ भाई के क्यों मारा, जल्दी बताओ क्यों मारा भाई को? और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मुझे जीन्स ही पहननी है, तो ये हट करके बैठे हैं कि मैं जीन्स ही पहनूंगा। जीन्स ही पहनोगे? अच्छा, जीन्स अच्छी लगती है आपको? एक्टिंग बहुत है इस लड़के में, हैं? हीरो हो आप। और ये दिख रहा है, ये कुट्टू की पकौड़ी का दीवाना है। अब विदाई का टाइम आ गया है। हाँ, यूं कह रहा विदाई का टाइम आ गया। ये यश है, और कौन सी क्लास में हो यश? 8th क्लास में आ गया है। और स्कूल? स्कूल के अभी हॉलीडे है। नहीं, कौन से स्कूल में, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में 8th क्लास में है। और मैं बता दूँ, ये बड़ी दीदी है, उनका बेटा है। दोस्तों हमने अपना बैग वैग ले लिया है, और ये देखो मम्मी विदाई दे रही हैं अब। और ये गाड़ी अब बाहर निकाल रहे हैं, और जच्चा बच्चा से भी मिल लिए हैं। हालांकि जल्दी फिर प्रोग्राम बनेगा आने का, तो फिर फटाक से आना पड़ेगा। हमारी गाड़ी बाहर लग गई है। मायके से जाते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता ना, सो मुझे बड़ी सैड सी फीलिंग आती है, बट अब काफ़ी दिन हो गए हैं। ये देखो पार्थ के फरमाइश पे पार्थ के डैडी लेके आए हैं पार्थ के लिए कोल्ड कॉफ़ी। पार्थ क्या है ये? क्यान हमारे साथ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यान इसलिए साथ नहीं है कि क्यान थोड़ा सा परेशान हो रहा था, तो इसीलिए उसको घर पे ही पापा मम्मी संभाल रहे हैं। भाई की बेटी के साथ स्पेशल ये था कि वो नवरात्रों में जो लास्ट नवरात्र होता है नवमी, वो नवमी वाले दिन हुई थी, तो मतलब बड़ा शुभ, एक तो बच्चे का आना शुभ वैसे ही लगता है, और एक नवमी वाले दिन नवरात्रों में बच्चा और वो भी बेटी आ जाए तो बड़ा अच्छा लगा। और खाना आने के बाद मैं करूँगी व्लॉग का एंड। एंड दोस्तों, जैसे कि मैं अपने वीडियो में पहले भी बोलती हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वॉच कीजिए। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, उनके लिए बहुत सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हम लोगों का खाना आ गया है।